नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ किरण। रामनगर तहसील के अंतर्गत पड़ने वाले भलौन क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि आज सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच नैनीताल जिले के रामनगर तहसील में पड़ने वाले भलौन क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा से भलौन ग्रामीण क्षेत्र में मलबा घुस गया, जिसमें निर्माणाधीन रिजॉर्ट के साथ ही मलबा ग्रामीणों के जमीन के साथ ही कुछ वाहनों को भी बहा कर ले गया। वहीं से क्षेत्र में भारी नुकसान की सूचना भी मिल रही है। गनीमत रही कि इससे किसी भी तरह के जानमाल की नुकसान की कोई सूचना अभी तक नहीं मिली है। साथ ही भलौन के प्रधान प्रतिनिधि मनमोहन पाठक ने बताया कि नैनीताल जिले के ग्राम सभा भलौन और अमगढ़ी के बीच में बहने वाला ककराड़ नाले के आसपास बादल फटने से भलौन क्षेत्र में नुकसान हुआ है। वहीं प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। साथ ही रामनगर और आसपास के बरसाती नाले भी पूरी तरह से उफान पर हैं। प्रधान जी, भलौन में जो है भयंकर आपदा आई है, बारिश लगातार हो रही है, नुकसान भी हुआ है, आपका भी कुछ नुकसान हुआ है, किस प्रकार का नुकसान है? हाँ सर, ऐसे कल दोपहर बाद से काफ़ी बारिश हो रही थी, लेकिन कल रात 3:30-4 बजे के आसपास के घटना है कि वहाँ पर बादल फट गया। ग्राम सभा भलौन और अमगढ़ी के बीच में एक ककराड़ नदी बहती है, उसमें बादल फटाया, उसकी वजह से जो है एक उसके निर्माणाधीन एक होटल है उसमें बहुत सारा नुकसान हुआ। उसका ट्रैक्टर ट्रालियाँ वगैरह बही हैं और कंस्ट्रक्शन का मटेरियल बहा है, और मेरा उसके बगल में मेरा अपना निजी फार्म था, मेरे ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह सब डूब गई हैं। शटरिंग का सामान था, 2 गाड़ी ईंटें थी, सब बह गई। 2 अपने फिश पॉन्ड थे वो जमींदोज हो गए हैं। अभी जो है चूँकि बारिश बंद ही नहीं हुई है और फ्लड भी कम नहीं हुआ है, इसलिए नुकसान का जो है आकलन करना अभी संभव नहीं है। अभी बारिश बंद होने के बाद, इसलिए सामान्य होने के बाद ही पता लगेगा कि कितना नुकसान है। बुधवार की तड़के लगातार हो रही तेज मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह ठहर गया है। तो वहीं आपको बता दें कि रामनगर व आसपास में स्थित बरसाती नाले भी पूरे उफान पर हैं, जिससे यातायात बाधित है और कई लोग बरसाती नालों में जो है फंसे हुए हैं। हालांकि यातायात को सुचारू कराने को लेकर प्रशासनिक टीम मौके पर अपनी जो है दस्तक बनाए हुए हैं, लेकिन अभी बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो वहीं एक बड़ी खबर यह भी सामने आई है कि रामनगर विकास खंड के अंतर्गत भलौन और अमगढ़ी के बीच बताया जा रहा है कि बादल फटने के कारण एक बरसाती नाला जो है वो काफ़ी उफान पर आ गया है, जिस कारण वहाँ के लोगों का शहर से संपर्क पूरी तरह कट चुका है। तो वहीं भलौन के ग्राम प्रधान मनमोहन पाठक का कहना है कि जो लगातार 3:30-4 बजे से सुबह से बारिश हुई है, उसके कारण गांव में एक जो है निर्माणाधीन होटल है, जिसकी सारी निर्माण सामग्री बहने के साथ ही वहाँ कुछ ट्रैक्टर ट्राली होटल में खड़ी भी थी वो बह गई हैं। वहीं उन्होंने बताया कि उनका फार्म भी था, वो भी फार्म हाउस भी उनका बह गया है, कुछ वाहन डूब चुके हैं, और इसके अलावा भी अभी संभावना जताई जा रही है कि कई ग्रामीणों की जो कृषि भूमि है या अन्य भूमि है वो भी इसकी चपेट में आ चुकी है। लेकिन अभी आकलन लगाना जो है उन्होंने बताया कि अभी संभव नहीं है, क्योंकि बारिश लगातार अपना कहर भर पा रही है और प्रशासनिक टीम मौके पर रवाना हो चुकी है। प्रशासनिक टीम में मौजूद जो भी आपदा के तहत कर्मचारी हैं वो संभव जो प्रभावित क्षेत्र वहाँ रवाना हो चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक टीम भी भारी बारिश और बरसाती नालों में जो पानी बढ़ा हुआ है उसके कारण अभी तक मौके में नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिस कारण जो है अभी कोई आंकलन की सूचना नहीं मिल पा रही है। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी जो है लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि बरसाती नालों को पार ना करें और बारिश कम होने के बाद ही नालों को पार करें। वहीं अधिकारियों का कहना है कि बारिश रुकने के बाद ही राहत एवं बचाव कार्य शुरू किए जाएंगे। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जेजेएन न्यूज़। ये खबर तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।